तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थिंग। तो मैंने क्या बोला था कि जो अर्थ है ना, इट्स अ इनफाइनाइट सोर्स एज वेल एज सिंक ऑफ चार्ज। यानी कि अर्थ को कितना भी चार्ज दे दो, या अर्थ से कितना भी चार्ज ले लो, वी से द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स जीरो। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो एंड इट रिमेन्स जीरो एंड रिमेन्स जीरो वेदर यू टेक द चार्ज और वेदर यू गिव द चार्ज। यानी कि इट्स लाइक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज, कितना भी चार्ज ले लो, और इट्स एन इनफाइनाइट सिंक, चाहे जितना चार्ज उसमें डंप कर लो। ओके सो अगर ये कंडक्टर है, सपोज इफ दिस इज न्यूट्रल कंडक्टर, तभी इसका पोटेंशियल क्या है? अभी इसका पोटेंशियल जीरो है, अभी इसका पोटेंशियल जीरो है। एंड व्हाट वी डू इज व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज क्यू नियर दिस कंडक्टर, ओके व्हाट विल हैपन इज, अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूर के सरफेस पे लेफ्ट ओवर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। द कंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल, कंडक्टर स्टिल न्यूट्रल है। और अगर ये चार्ज का जो डिस्टेंस है इस कंडक्टर से, अगर ये डिस्टेंस आर है, देन वी नाउ वी नो दैट इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था ना, इस क्यू की वजह से जो इस सरफेस का जो पोटेंशियल हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। दैट इज बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज, इवन दो कंडक्टर न्यूट्रल है, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट नियर बाय द सरफेस, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल हो गया ना, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर हो गया। सो नाउ इफ वी अर्थ दिस कंडक्टर, तो अर्थिंग के बाद क्या होगा? सो नाउ इफ आई अर्थ दिस कंडक्टर तो क्या होगा? अर्थिंग जब करेंगे, बिकॉज ऑफ अर्थिंग इसका जो पोटेंशियल है वो वी हो जीरो हो जाएगा, दैट इज वी विल बी जीरो। अभी इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे फ्लो होगा, सच दैट वी इज जीरो, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होगा। सो कितना चार्ज फ्लो होना चाहिए? मान लो क्यू डैश चार्ज फ्लो होता है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। और अगर क्यू डैश चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, माइनस क्यू डैश चार्ज अगर इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसके जैसे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डैश बाय आर। एंड नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। दिस गिव्स अस क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये एक एक एग्जांपल है। तो कितना चार्ज फ्लो होगा हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, वील मेक द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर जीरो। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? क्लियर यस सर। है? चलो आगे चलो, उतार लिए सबने। अब यस
दिस फिनिशेज आवर क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर पूरा खत्म हो गया। अब हमारे को खाली इसके थोड़े से एप्लीकेशंस करने हैं। उसके पहले हम डाइलेक्ट्रिक कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली इंसुलेटर्स है ना, जिसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कंडक्टर्स में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, तो हमेशा माइनस माइनस चार्ज बना लेते थे। ओके, और डाइलेक्ट्रिक्स दो तरीके के हो सकते। एक तो डाइलेक्ट्रिक वो है जिसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, नॉन पोलर यानी कि जो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो कुछ ऐसे होंगे जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल कोइंसाइड करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। इनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, देयर इज नो डायपोल मोमेंट। नॉन पोलर मीन्स जीरो डायपोल मोमेंट। ओके, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक, उनके मॉलिक्यूल्स पोलार होते हैं, सो देर मे बी सम डायपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल्स। एंड दे ऑल विल बी रेंडमली अरेंज्ड, जैसे भी होगा रेंडमली अरेंज होंगे। ओके, समथिंग लाइक दिस पोलार मॉलिक्यूल्स है, सो दे हैव सम द मॉलिक्यूल्स हैव सम डायपोल मोमेंट, बट व्हाट नेट इफेक्टिव इज जीरो। ऑल आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब इन दोनों में क्या होता है? जैसे अपन कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो व्हाट हैपेंस कि चार्ज इंड्यूस हो जाता था कंडक्टर के सरफेस पे, है ना। जैसे कि ये न्यूट्रल कंडक्टर है एंड व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड जीरो, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए क्या होता था? ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे आ जाते थे, पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाता था और अंदर एक ई डैश बन जाता था, सच दैट ई डैश माइनस ई जीरो हो जाता था, है ना। तो समहाउ द इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सो व्हाट विल हैपन? सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड एंड इफ यू अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन टू देम? सो व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे व्हाट विल हैपन इज, ये जो पोलार मॉलिक्यूल्स से अब ये इनमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। व्हाट विल हैपन इज डायपोल मोमेंट विल बी इंड्यूस्ड हियर, समवॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। हाँ, नॉन पोलार में क्या होगा? डायपोल इंड्यूस होगा। दीज आर नॉन पोलार एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। ओके, तो अब ये भी इनके जैसे हो जाएंगे जिसमें डायपोल है, ये पोलार जैसे हो जाएंगे। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट इज, इसका पूरे का इफेक्ट क्या आएगा, चाहे वो पोलार हो चाहे नॉन पोलार हो, डायपोल इंड्यूस हो गया। एंड डायपोल में, अब डायपोल क्या होता है? डायपोल इज सेपरेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो समवॉट व्हाट विल हैपन इज, 100% नहीं लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके हिसाब से इस सरफेस पे तो नेगेटिव चार्ज का डायपोल ट्राई करेगा, डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस सरफेस पे ले जाएगा और इस सरफेस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा डायपोल का। ये डायपोल से ये अलाइन हो जाएंगे, सारे डायपोल्स अलाइन नहीं होंगे, कुछ ही डायपोल्स अलाइन होंगे, कुछ अभी भी रैंडम रहेंगे। हाँ, रैंडमनेस अभी भी है डायपोल में,
व्हाटएवर, इन व्हाटएवर वे दे आर रैंडम, इट्स लाइक दिस, रैंडमनेस तो अभी भी है बट फ्यू विल बी अलाइन, फ्यू विल बी अलाइन. सो इफ यू आर अलाइन देन दिस सरफेस गेट्स नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस सरफेस गेट्स नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये वाला जो सरफेस है इट्स गेट पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी. देर इज सम सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जितना कंडक्टर में होता है उतना नहीं होता है लेकिन कुछ तो होता है. तो अगर बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, बाहर जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट अप्लाई किया है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज, मैं इसको बोलता हूँ E इंड्यूस्ड, कि जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था और डायपोल अरेंज हुए थे इसको E इंड्यूस्ड भी बोलते हैं और कभी कभी EP भी बोलते हैं, E ड्यू टू डायपोल मोमेंट, कुछ भी बोल दो. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के अंदर हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो E नॉट माइनस EP, या E नॉट प्लस EP बोलो, वेक्टर वेक्टर साइन लगा रहे तो, और मैग्नीट्यूड में E नॉट माइनस EP. वेक्टर साइन लगाऊंगा तो प्लस लिखूंगा और मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो माइनस लिखूंगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है. इज दिस क्लियर? डिफरेंस देखो कंडक्टर में और डायलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है. कंडक्टर में देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जब चार्ज इंड्यूस हुआ था कंडक्टर के अंदर तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो हो रहा था, देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि वही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है. और डायलेक्ट्रिक में अगर डायपोल है तो डायपोल अलाइन हो गए, और अगर नॉन पोलर था तो डायपोल इंड्यूस हुआ और फिर डायपोल अलाइन हुए, और उन अलाइन डायपोल ने जो चार्ज इंड्यूस किया था उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, बट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैंसल द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट माइनस ई पी इज द रेसिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. ओके, नाउ खाली रिजल्ट है हमारे पास, ईपी जो है डायपोल वाला दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, जितना स्ट्रॉन्ग ई नॉट होगा उतने ज्यादा डायपोल अलाइन होंगे, तुम्हारा बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा डायपोल भी उतने ज्यादा अलाइन होंगे, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा. सो दिस ई नॉट माइनस सम कॉन्स्टेंट K dash time E naught हो जाएगा, ठीक है? This is the net electric field, which is E naught into 1 minus K dash. So, इसको मत उतारो. So, net electric field inside जो होता है, that will always be equal to E naught by K. अंदर का electric field, बाहर के electric field से 1 by K times हो जाएगा. And this K is known as dielectric constant. This K is known as डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इसीलिए मैं हमेशा ये फोर्स में जब हमेशा ना ये लिखता था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये जो K था, ये वाला K, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस K. ये तो K है, एक कॉन्स्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कूलम्स लॉ का, और ये जो K है ये डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. बिकॉज डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हमेशा K से लिखा जाता है, इसीलिए हम इसको हमेशा 1/4πε0 लिखेंगे तो ही अच्छा रहेगा. ओके, दिस के इज सेम एज एप्सिलॉन आर, ये वही के है. मतलब जब हम किसी दो चार्ज को किसी मीडियम में रखते थे तो हमारा फोर्स क्या हो जाता था, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये वाला फोर्स किस में है, ये फोर्स वैक्यूम में है, और ये फोर्स किस में आ रहा है, ये डायलेक्ट्रिक मीडियम में आ रहा है या किसी दूसरे मीडियम में आ रहा है. एंड दिस एप्सिलॉन इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम,
रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। चले आगे। ठीक यस सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक। अब यहां पे कुछ और टर्म डिफाइन हो रही है, वो भी डिफाइन कर लेता हूं। जब अंदर ये डायपोल इंड्यूस हो रहा है तो हमारे को डायपोल मोमेंट मिल जाता अंदर, तो वी से पॉलिश वेक्टर पी इज डिफाइंड एज अ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये खाली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा, फॉर्मूले याद कर लेना इसको। वी डिफाइन पोलराइजेशन के कितना पोलराइजेशन हुआ है बाय द क्वांटिटी पी विच इज डिफाइंड एज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन वेक्टर पी। एंड फॉर लीनियर आइसोट्रॉपिक डायलेक्ट्रिक्स, लीनियर आइसोट्रॉपिक वर्ड तुम्हारे को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आइसोट्रॉपिक मतलब होता है कि अलोंग दैट लाइन ऑल द प्रॉपर्टीज रिमेन कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें जैसे जैसे अपन आगे मटेरियल में मूव करते हैं ना, तो उसका परमिबिलिटी चेंज हो जाता है या परमिटिविटी चेंज होता है या वॉट एवर, लाइक डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट इन साइड द मटेरियल, देन दे आर नॉट आइसोट्रॉपिक। बट हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो टर्म काम में नहीं आएगा। एंड दिस पोटेंशियल वेक्टर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, सो पोटेंशियल पी इज इक्वल टू ई एंड दिस इज सम कॉन्स्टेंट जाई। दिस जाई इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। रिजल्ट याद रखने बहुत जरूरी तुम लोगों के लिए। इनके कोई डेरिवेशन नहीं है, इनफैक्ट ये डेरिवेशन है भी नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, उससे डायरेक्ट ये कॉन्स्टेंट्स निकाले जाते हैं। ये बात अलग है कि इनका यूज क्या है, वो अभी हम लोग हमारे सिलेबस के बाहर है। एंड अभी जैसे मैंने डायलेक्ट्रिक को यहाँ पे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, सो देयर वाज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ऑन दिस सरफेस, है ना, ऐसा आया था, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस सरफेस। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको अपन बोल देते माइनस सिग्मा पी, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सरफेस डेंसिटी है उसको बोल देते प्लस सिग्मा पी। देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या था, ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई पी वेक्टर फॉर्म में, तो एंड स्केलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई पी, क्योंकि ई पी जो है वो ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में। And I said EP is directly proportional to E naught, so E is E naught upon K, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे खाली एक नई टर्म मैंने डिफाइन की है, which is known as polarization, which is dipole moment per unit volume, and this polarization जो है ना, that is proportional to the external electric field E, and that is xi times electric susceptibility of the dielectric medium। बस इन दो रिजल्ट्स को, डेफिनेशंस को याद कर लो अच्छे से।
नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन द कंडक्टिंग सरफेस। कुछ तो हम कर चुके हैं, स्फेरिकल सरफेस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने शीट ऑफ चार्ज किया था, व्हेन आई से शीट ऑफ चार्ज दैट मींस बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कंडक्टर। ओके, तो उसमें हम क्या कंज्यूम करते हैं, तो शीट ऑफ चार्ज जो है ना वो सिंगल लेयर जैसे अज्यूम करते हैं, मतलब ऐसे हम उसका चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेते अक्रॉस द थिकनेस ऑफ द शीट। ओके, कोई सेपरेशन नहीं है। अगर तुम सामने से देखोगे शीट को, थिकनेस अगर टी है तो हम सिंपली जो भी है ये मान लेते। ओके, सो जब हम शीट लेते हैं वी डोंट ये ऐसा मानो या सिंगल लेयर मानो या कुछ भी मानो, वीसी की जो पूरा चार्ज क्यू है ना वो इस सरफेस एरिया ए पे हमने चिपका दिया। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी क्यू बाय ए ओनली, क्यू बाय ए। ओके, और फिर जब हमने यहाँ पे ये लगाया था गॉस लॉ, व्हाट वी डिड वाज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ रहा है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ रहा था, एंड वी सेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस सरफेस के शीट के परपेंडिकुलर था बिकॉज द शीट वॉज यूनिफॉर्मली चार्ज। रिमेंबर, बिकॉज द शीट वॉज यूनिफॉर्मली चार्ज। कंडक्टर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, उसका कोई भी सरफेस हो, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे स्पेशली शीट के लिए परपेंडिकुलर क्यों था, क्योंकि द शीट वॉज यूनिफॉर्मली चार्ज। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज होता तो नहीं होता। देन वी सेड दैट ई जो है इस सरफेस को तो काट ही नहीं रहा है क्योंकि इस सरफेस की तो पैरेलल है, ये जो कर्व सरफेस है उसके तो ई पैरेलल है। ई इज ओनली परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो यहां से ही फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो यहां से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ई डी एस, और यहां से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, ई डी एस। सो टोटल फ्लक्स जो है ई डी एस इज क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। और इस सिलेंडर के अंदर क्यू एनक्लोज कितना है, इस रीजन में क्यू एनक्लोज कितना है, अगर इसकी सरफेस चार्ज सिग्मा है और ये एरिया डी एस है, देन क्यू एनक्लोज कितना है, सिग्मा डी एस। सो दिस गिव्स अस ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। ये हमने चार्ज शीट के लिए किया था। अब अगर हम कंडक्टिंग प्लेट की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन इट इज अ कंडक्टिंग प्लेट। अगर मैं उसकी थिकनेस की बात करता हूं, ये थिकनेस है टी उसकी, चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे कितनी भी पतली शीट हो, ई इनसाइड विल बी जीरो और अंदर का क्यू भी जीरो होता है, अंदर का एक्सेस क्यू भी जीरो होता है। सो व्हाट एवर चार्ज वी विल गिव ना, अगर हम इसको चार्ज क्यू देंगे तो इसके दो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक ये सरफेस बनेगा और एक ये सरफेस बनेगा। तो यही डिफरेंस है नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में। कंडक्टर में जब चार्ज क्यू दोगे किसी शीट को तो दो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जबकि नॉन कंडक्टर में हम उसको एक ही सरफेस जैसा ट्रीट करते हैं। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो अगर यहां पे अगर तुम देखोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू जो है एक्चुअली यहां पे भी सरफेस एरिया है और यहां पे भी सरफेस एरिया है, तो जो सिग्मा होगा ना वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू ए। और इधर सिग्मा क्या था, क्यू बाय ए। दैट इज अ बिग डिफरेंस। अगर अपन ने किसी नॉन कंडक्टर पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया किसी शीट पे, देन सिग्मा विल कम लाइक क्यू बाय ए, क्योंकि हमारे लिए वो कंटिन्यूस है, दिस फुल थिंग इज कंटिन्यूस, इसमें कुछ गैप नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला क्यू
शीट के सरफेस के इधर है और ये वाला शीट के इस सरफेस पे, और ये दो सरफेस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि बीच का जो मटेरियल है कंडक्टर, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल अलग अलग बिहेव करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बीच में एक तरह से शील्डिंग है, यहाँ पे बीच में एक तरह से क्या है, शील्डिंग है। ओके, सो दिस इज हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अगर एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया देन वी ओनली टर्म्स टॉक इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अब अगर हम सिग्मा के टर्म्स में बात करें देन व्हाट विल हैपन, इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इधर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ओके, इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई हियर, अगर मैं कोई भी गॉसियन सरफेस लूंगा ऐसा, तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे बाहर आएगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है, इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो नाउ वी आर ओनली गेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सरफेस, और किसी भी सरफेस पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं मिल रहा है। सो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, एक ही फ्लक्स मिल रहा है हमारे को, इधर से कुछ फ्लक्स नहीं मिल रहा है, विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। और क्यू एनक्लोज कितना है, इस सरफेस पे चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू डी एस, विच इज सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन। तो ई कितना आ गया, ई आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ई आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सो यू सी द डिफरेंस, जो नॉन कंडक्टिंग शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, और जो कंडक्टर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, और जब हमने शीट के लिए निकाला था ना, तो हमने कंडक्ट शीट के अंदर जाके कुछ नहीं देखा था, हम तो शीट के राइट हैंड सरफेस पे, शीट के लेफ्ट हैंड सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था, बिकॉज उधर हमारी इट वॉज लाइक कंटिन्यूस थी, तो कंडक्ट ओ नॉन कंडक्टर के अंदर जाके हमारे को कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट हियर देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अच्छा, अगर हम ऐसा लेते, अगर अपन ऐसा डायल ये लेते, क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस लेते, तो हमारे को क्या मिलता, ई डी एस यहां पे मिलता फ्लक्स, और ई डी एस फ्लक्स यहां पे मिलता। ओके, लेकिन फिर हमारे पास चार्ज एनक्लोज कितना हो जाता, इस सरफेस पे भी चार्ज है और इस सरफेस पे भी चार्ज है, हमारे पास दो सरफेस बनते हैं कंडक्टर में, नॉन कंडक्टर में दो सरफेस नहीं बनते, तो यहां पे क्या हो जाता है, प्राइस ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, क्या हो जाता है, प्राइस ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन, सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। रिजल्ट तो सेम ही आना था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही है, सो वेदर यू सॉल्व द गॉसियन सरफेस फॉर वन सरफेस और यू इंक्लूड बोथ द सरफेस इनसाइड योर गॉसियन सरफेस, रिजल्ट सेम आना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस यस सर, नाउ समथिंग इंटरेस्टिंग, जब मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया तो यहां पे तो चार्ज क्यू है, जो भी है सिग्मा डी एस है ना चार्ज, तो इस चार्ज की वजह से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सेड दैट ई इज जीरो एट दिस पॉइंट, बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, एंड रिमेंबर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो जो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी है,
और यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी है। बट हमने गॉस लॉ में पढ़ा था कि फ्लक्स जो है ना, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द चार्ज विच इज एनक्लोज इन साइड द सर्फेस। ओके, तो हमने ई डॉट डी एस इस सर्फेस पर सर्फेस पे लिया। अब अगर हम इसको, अगर ये भूल जाए कि हम कंडक्टर के अंदर है, अगर हम भूल जाए कि कंडक्टर के अंदर है, तो हमारे पास एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। इस सरफेस की वजह से ई इस डायरेक्शन में आएगा और इस सरफेस की वजह से ई इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, अगर मैं दो सरफेस ऐसे बना लूं, एक सरफेस ये बना लूं, एक सरफेस ये बना दूं, और अपन अगर इस पॉइंट पे आ जाए, तो ब्लू वाले सरफेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और रेड वाले सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर अपन ये भूल जाए कि ये कंडक्टर है, तो ये अपने लिए एक चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये भी अपने पास एक चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया। उसी तरीके से इफ यू टेक एन पॉइंट आउटसाइड और कंडक्टर जैसे ना ट्रीट करके इसको दो अलग अलग चार्ज शीट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इस ब्लू चार्ज की इस शीट की वजह से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस तरफ, और रेड वाले की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस तरफ आएगा इस पॉइंट पर, राइट? तो नेट क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एक सरफेस की वजह से, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन दूसरे सरफेस की वजह से, इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ही हो जाएगा। सो या तो तुम इसको पूरे कंडक्टर जैसे ट्रीट करो, तो दो सरफेस मिल जाएंगे तुम्हारे कंडक्टर के, या तुम इसको दो अलग अलग शीट जैसे ट्रीट करो, दो अलग अलग शीट जैसे ट्रीट करो। सो यू यू अंडरस्टैंड द, समझ में आ गया कैसे कैसे ट्रीट करना है हमारे को? और गॉसियन, जब अपन गॉस लॉ यूज करते हैं, तो गॉस लॉ एक्चुअली टेक केयर ऑफ द आउटसाइड चार्ज। इसीलिए जब हमने कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूज किया था और ई डॉट डी एस यूज करके हमने गॉसियन सरफेस अप्लाई किया था यहाँ पे इसमें, तो जब यहाँ पे ई जीरो किया था, तो गॉस लॉ इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ द चार्ज विच इज इन साइड द कंडक्टर गॉसियन सर्फेस एंड द चार्ज विच इज आउटसाइड द गॉसियन सर्फेस, तभी तो यहाँ पे ई जीरो हुआ है। खाली अगर इसकी बात करते तो यहाँ पे ई जीरो थोड़ी हो रहा था। तो जब हम गॉस लॉ लगाते हैं, वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी चार्ज जो अंदर हो या बाहर हो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टोटल चार्ज की सिमेट्रिसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बिकॉज आई एम यूजिंग इट एक्सप्लिसिटली दैट ई इज जीरो हियर। गॉस लॉ को मेरे को बोलना पड़ा कि यहाँ पे ई जीरो है, ओके, एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो वी विल ओवर द क्लास हियर ओनली एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।